हर रिपोर्ट नॉर्मल होता है, हस्बैंड और वाइफ का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है कि आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है, क्या रीजन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, रिपोर्ट नॉर्मल है, पीरियड भी अच्छे से आ रहे हैं, तो क्या रीजन है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस पे आपको फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, कहीं आपके बच्चेदानी में सूजन तो नहीं है, कहीं आपके बच्चेदानी में गांठ तो नहीं है। इन सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है कि बच्चेदानी में सूजन है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, जाके उसे आप चेकआउट करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये भी नोटिस करिए कि कहीं आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि बच्चेदानी का जब मुंह खुलता है तो आपको क्या क्या जो है सिम्टम्स महसूस होते हैं, और बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कैसा फील होता है, आप कैसे समझ सकते हो कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, और कब कब आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि देखिए, महीने में केवल दो बार आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। एक खुलता है पीरियड के समय, दूसरा खुलता है ओवुलेशन के समय। यही दो ऐसे टाइम होते हैं जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अब आप जानोगे कैसे कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला भी है कि नहीं खुला है। अब आप बोलोगे कि पीरियड आ रहा है तो बच्चेदानी का मुंह खुला ही ना रहेगा। जी नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपके पीरियड का फ्लो काफी कम हो रहा है, यानी कि 24 घंटे में आपका पीरियड भी आ जाता है, पीरियड बंद भी हो जाता है, कुल काम सारा काम 24 घंटे में हो जाता है, तो ये समझिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह अच्छे से नहीं खुल रहा है। आपका पीरियड का फ्लो ही बता देगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह अच्छे से नहीं खुल रहा है। जब बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलेगा तो आपको ओवुलेशन कहाँ से होगा और आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। तो इस चीज को भी आपको ख्याल करना है कि अगर आपका पीरियड का फ्लो कम है तो आप सौंफ का पानी पीजिए, धनिया का पानी पीजिए। इन सारे पे मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी देखिए, और डिटेल में मैंने बताया है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, तो आप डिटेल में उस वीडियो को देखिए और आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे पूरा क्लीन करिए। आपको लॉन्ग वाटर लेना है, दालचीनी का पानी लेना है, इन सारे चीजों से आपको फर्टिलिटी में बूस्टिंग का काम मिलेगा। अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन भी होगा, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चेदानी का मुंह भी खुलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो कब कब खुलता है? देखिए फ्रेंड्स, एक तो जब आपका पीरियड आता है तब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और दूसरा खुलता है जब आपकी ओवुलेशन होता है तब खुलता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना ओवुलेशन को ट्रैक करना है। अगर आपने अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर लिया तो मैं आपको बता रही हूँ 100% आप, अगर आपकी हर रिपोर्ट नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी को भी आप ट्रैक कर लोगे, प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी। अगर आपने ओवुलेशन को एग्जैक्ट ट्रैक कर लिया कि ओवुलेशन आपका कब हो रहा है, आपका अंडा जो है कब बन के निकल रहा है, रेप्चर होके निकल रहा है, अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो सबसे पहले आपको ओवुलेशन जानना है। तो ओवुलेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने ओवुलेशन के सिम्टम्स को जानना चाहिए कि आपके ओवुलेशन का सिम्टम्स क्या क्या है। जैसे कि आपके वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज निकलता है, सबसे पहला ओवुलेशन का सिम्टम्स होता है। ये डिस्चार्ज आपको चिपचिपा वाटरी निकलता है, जब आप दोनों उंगलियों के बीच में इसको लोगे तो इसमें थ्रेड का काम ये करेगा। तो अगर ऐसा निकल रहा है डिस्चार्ज तो ये समझिए आपके ओवुलेशन का है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है अपने बच्चेदानी को घर पे भी चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने पूरी फिंगर के जो नाखून होते हैं उसको कट कर लेने हैं कि कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, पूरा कट करके। और अपने वेजाइना में, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वेजाइना में अपने दो फिंगर इंसर्ट करके आप टच करके देख सकते हो। अगर आपको जो नोज होता है उसकी जैसे हार्ड महसूस हो रहा है तो ये समझिए आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। और लिप जैसे जो है मुलायम महसूस हो रहा है और वहां पे आपको नमी जैसा महसूस हो रहा है तो आपको ओवुलेशन 100% हो रहा है। और जब ओवुलेशन होगा तो आपका एक और अंडा भी निकलेगा, और अंडा निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी जब आप रिलेशन रखोगे। तो
तो ऐसे आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है तो उसी समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और ये आपके बच्चेदानी का मुंह कम से कम खुला रहता है 3 से लेकर 5 दिन तक। 5 दिनों तक आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, क्योंकि तो ये भी जो है ये देखता है कि आपका जो है अंडा है फर्टिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। और तीसरा, बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, तब बच्चेदानी का मुंह खुलता है। नहीं तो 1 महीने में केवल 2 ही बार आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और आप बोलोगे कि पीरियड के समय रिलेशन रखने से क्या प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीरियड के समय आप रिलेशन रखोगे तो उस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब मैं यहाँ बता दूं, जिन महिलाओं की शॉर्ट साइकिल होती है उन महिलाओं को हो भी सकती है, क्योंकि अगर वो पीरियड के 8वें दिन 10वें दिन अगर रिलेशन रखती है तो हो सकता है कि उनका ओवुलेशन हो रहा हो, तो उस समय उनका एग जो है फर्टिलाइज कर ले। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना ओवुलेशन ट्रैक करना है। और कितनी महिलाएं ये भ्रम में रहती हैं कि मेरा ओवुलेशन तो 12वें 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा, बट नहीं, आपको इस चीज को जानना है कि आपकी पीरियड की साइकिल कितनी लंबी है। अगर 30 दिन की है तब तो 12वें 14वें 16वें दिन हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी पीरियड की साइकिल उससे भी लंबी है, उसकी लेंथ ज्यादा है, यानी कि 35 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, तो आपको और लंबा वेट करना होगा। आपको 20 से 25 दिन तक वेट करना होगा, 20 से 25 दिन तक आपका ओवुलेशन होगा। आपका ओवुलेशन ये नहीं हो जाएगा कि 12वें 16वें 14वें दिन हो जाएगा और आपका एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, जी नहीं। अगर आपका पीरियड का साइकिल लंबा है तो आपको लंबा में ओवुलेशन होगा, यही पे शॉर्ट साइकिल है तो आपको शॉर्ट साइकिल में ओवुलेशन होगा। अगर मीडियम है यानी कि 30-32 दिन का है तो 14वें 16वें दिन आपका जो है एग जो है रिलीज हो जाएगा। तो यही महिलाएं गलतियां कर जाती हैं, और यही महिलाएं जब गलतियां कर जाती अपना ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाती हैं, जिससे कि उनका अंडा जो है फर्टिलाइज नहीं करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सुबह खुलेगा, शाम खुलेगा, दोपहर खुलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जैक्ट डेट आपको डॉक्टर भी नहीं बताएगी, ये आपके ओवुलेशन के ऊपर निर्भर रहता है। उसके 12 से 14 घंटे पहले आपका जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो आपको इस चीज को नहीं देखना है, आपको रिलेशन मेंटेन करते रहना है। और जो ही फिलोपियन ट्यूब में आपका एग आएगा, अगर पुरुष का जो स्पर्म है वहाँ पे मौजूद रहेगा तो उसे फर्टिलाइज कर लेगा। इसमें कोई भी आपको भ्रांतियाँ नहीं रखनी है कि मेरा एग फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने समय से ओवुलेशन को ट्रैक किया है और समय से जो है रिलेशन रखा है तो बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा और आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी होते होते आपका एग और जो है स्पर्म फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको ख्याल रखना है कि आपके ओवुलेशन कब हो रहा है, आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपके क्वेरी पे जरूर आपको सवालों पे जरूर जवाब मिलेगा। और फ्रेंड्स, एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए कि हो सकता है कि आप जो मुझे कमेंट करना चाहते हो, जो क्वेरी है उसमें आपका वीडियो रखा हो, और वीडियो को देखिए और उस वीडियो के हिसाब से अपने ऊपर अप्लाई करिए ताकि आपको कुछ हेल्प और कुछ बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।